जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर निगम ने डेयरी आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इंटरव्यू में मिलीभगत के आरोप के बाद महापौर सौम्या गुर्जर ने कमेटी बनाई थी। 18 मई से 7 जून तक ये इंटरव्यू चले थे। जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक किसी भी तरीके का आवंटन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर नगर निगम डेयरी बूथ आवंटन को लेकर, जहां पर अब ग्रेटर निगम में महापौर सौम्या गुर्जर ने इस आवंटन पर रोक लगा दी है। इंटरव्यू में मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद महापौर ने अब इन आवंटन पे रोक लगा दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी। निरंजन, काफी लंबे समय इंतजार किया लोगों ने कि आवंटन होता है, इंटरव्यू होता है, और अब वापस से रोक लगा दी जाती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी, इसमें क्या है, करीब 20 दिन जो है डेयरी बूथों के आवंटन चले थे जी। इसमें टोटल जो डेयरी है 563 है, जिन पर जो करीब 1835 लोगों को इन्होंने नगर निगम में बुलाया था, जहाँ पर इनके जो है इंटरव्यू हुए थे। मगर शुरू से ही जो है बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के जो लोग हैं, इस प्रक्रिया पर पूरा सवाल उठाते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जब जो साक्षात्कार हुए थे, इंटरव्यू हुए थे, उसमें एक लिमिटेड सवाल थे इनके, 6 से 7 सवाल थे, वो लिमिटेड थे। उनमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया था कि किन जो सवालों पर किस तरीके से इनका जो है जो आवेदक हैं उनको जो है लॉटरी अलॉट की जाएगी। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के जो है आवेदक थे इसमें, तो पूरा जो है शुरू से ही बीजेपी इस पे सवाल उठाते आ रही थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिनको आवंटन हुआ था, या फिर बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार इस पे सवाल उठाते आ रहे थे, जिसके बाद में आज जो है मेयर सौम्या गुर्जर पर इसका प्रेशर बना, और उसके बाद में आज जो है इस पर पूरा संज्ञान लिया गया। और तो अब निरंजन, आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू ले लिए थे, तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी करवा ली गई थी, अब आगे के लिए क्या, रोक तो लगा दी है जी। अब क्या है, इस पर जो कमेटी बैठाई है, वो कमेटी 15 दिन में इसका डिसीजन लेगी, 15 दिन इसकी जांच करेगी, उस जांच को जो है कमेटी सौंपेगी आगे, और कमेटी की जांच के बाद में ही इस पूरे मामले का पता चल पाएगा। तो निरंजन, कुल मिला के ये माना जाए कि अब दोबारा से इंटरव्यू होने वाले हैं जी। अभी तो इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ कह सकते हैं कि अगर इस तरीके का आरोप लग रहा है और इस तरीके का आरोप सही है, तो बिल्कुल जो है इंटरव्यू दोबारा किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये मामला है, जहां पर डेयरी बूथ आवंटन किए जाने थे, और अब महापौर सौम्या गुर्जर ने इन आवंटन पर रोक लगा दी है, क्योंकि इंटरव्यू में मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया।